नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पूनम की रसोई। आज हम फिर से अपने किचन में 2-in-1 रेसिपी का सुपर कॉम्बो लेके हाजिर हुए हैं। तो आप ये रेसिपी पूरी देखें और ऐसी ही रेसिपी बना के रेडी करें। ये रेसिपी आपको, आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा पसंद तो आएगी ही, साथ ही साथ आप हफ्ते में 3 दिन यही रेसिपी बना के जरूर ट्राई करेंगे। तो मेरी गारंटी है, अगर आपने ये बना लिया तो आप बार बार ये रेसिपी ट्राई करेंगे। मार्केट से तो लाना और खाना भूल ही जाएंगे, क्योंकि जब हम घर में इतनी इजी रेसिपी बना के रेडी कर सकते हैं तो हम इतने सारे पैसे और टाइम बाहर क्यों बर्बाद करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम इस रेसिपी को देखते हैं। तो हम आज बनाएंगे बर्गर क्वीन बनाएंगे हम। आपने बर्गर किंग तो बहुत खाया, तो एक बार आप बर्गर क्वीन जरूर ट्राई करें। साथ ही साथ बनाएंगे आलू पिज्जा टिक्की। तो ये 2-in-1 रेसिपी है, पूरी जरूर देखें। तो हमने ले लिया 500 ग्राम बॉयल आलू। इस रेसिपी में आलू अच्छे से ठंडे होने चाहिए, तभी हमको यूज करना है। तो आलू अच्छे से हमने ठंडे कर लिए हैं। अब हमने ले लिया है कद्दूकस। आप चाहें तो आलू मैशर की हेल्प से आलू को मैश कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सारे आलू मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। आलू तो हमने चॉप कर लिए, अब हमको एक बड़ा बर्तन चाहिए जिसमें हम आलू डाल लेंगे, क्योंकि हमको अभी और भी बहुत सारी चीजें ऐड करनी है तो प्लेट में तो आ नहीं पाएंगे। तो मैंने भी एक बड़े बर्तन में सारी आलू डाल दी। इसी के साथ मैंने 2 छोटे साइज के खीरे छोटे छोटे चॉप कर लिए थे वो डाल दिया, 2 छोटे साइज के टमाटर, 2 मीडियम साइज के शिमला मिर्च। अब हमको चीज डाल देनी है। मैंने मोजरेला चीज ली है जो पिज्जा में पड़ती है। आप चीज क्यूब्स डाल सकते हैं, चीज स्लाइस डाल सकते हैं, जो भी आप आपके पास अवेलेबल हो वो वाली चीज आप इसमें यूज करें। इसी के साथ हमने ले लिया है 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, हमने 1 चम्मच पिज्जा सीजनिंग ले लिया है, 1 चम्मच हमने लाल मिर्ची है, ये हरी वाली मिर्ची जो रेड हो जाती है ना वही है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दिया। ये इस तरह का डब्बा आता है जो केक वगैरह में पड़ता है, मैंने इसी से 1 चम्मच लेके बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग पाउडर जरूर डालें। अब हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक। अब हमको डाल देना है मैदा। मैदा आलू के ऊपर डिपेंड होता है, मैंने तो 1.5 कप मैदे का यूज किया है। अगर आपके आलू थोड़ी बहुत कम ज्यादा है तो मैदा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, अगर आलू गर्म है तो मैदा ज्यादा यूज होगा। जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं ना, उसी तरह का आटा लगा के हमको तैयार करना है। डो हमको उसी तरह का चाहिए। आटा लगाते टाइम आप पानी का बिल्कुल भी यूज ना करें, ये आटा आलू से ही अच्छे से गूंथ के रेडी हो जाता है। अब हमको लेना है 1/2 चम्मच तेल और ऊपर से हमको ग्रीस कर देना है। तो ये देखिए मैंने तेल लगा दिया अच्छे से और एक बार फिर से मैंने सेट कर दिया है। इसमें अच्छी बात यह है कि हमको डो को रेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो चलिए हम दूसरी तरफ एक पैन रख देते हैं गैस में। तो हमने ये गैस ऑन किया, पैन रख दिया। पैन को आप घी तेल बटर से थोड़ा सा ग्रीस कर दें। तो हमने भी ग्रीस कर दिया, फ्लेम को लो कर दिया। इधर हम अपनी टिक्की बना के रेडी करेंगे। मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लिया, चकले में थोड़ा सा छिड़क दिया है। अब हमने ले लिया है 1 लोई। लोई देख सकते हैं आप, मैंने ये 2 उंगली रखी, उतनी मोटी है और मोटा मोटा ही हमको बेल के तैयार करना है। थोड़ा सा आटा आप इस पे डालते हुए एक रोटी बना के रेडी कर लें। आपको इस रोटी की थिकनेस ब्रेड जितनी रखनी है, जैसे हमारी ब्रेड होती है ना थोड़ी सी मोटी, बस उतना ही, क्योंकि हमको टिक्की बनानी है तो टिक्की तो थोड़ी सी मोटी मोटी होती ही है। अब हमको एक ग्लास या कटोरी ले लेना है, उसी की हेल्प से हमको कटिंग कर लेना है। तो मैं ग्लास और कटोरी दोनों से आपको कट करके दिखाऊंगी। तो पहले मैंने एक कटोरी ले लिया है, इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे, इजिली कट जाता है। बस थोड़ा सा उस बर्तन पे धार होना चाहिए तो सारी चीजें इजिली कट के रेडी हो जाती हैं। और मैंने एक कटोरी से कट किया, दूसरा मैंने ग्लास से काट दिया। और आपको भी बिल्कुल इसी तरह से कट कर लेना है। बचा हुआ पार्ट्स है जो वो इजिली साइड से निकल जाता है, तो आप उसको निकाल दें। और ये देखिए ये जो डो बच गया है कटिंग से, उसको हमको साइड कर देना है। मैं आपको टिक्के की थिकनेस दिखाऊंगी, बिल्कुल ब्रेड जैसी ही है। तो इसी तरह हम कटोरी और ग्लास की हेल्प से और भी टिक्की काट के तैयार करते हैं। पैन हमने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। अब हमको पैन में टिक्की डाल देनी है, जितनी टिक्की इजिली आ जाए उतनी ही आप डालें, एक्स्ट्रा आप उसमें ना डाल दें। और फ्लेम को आपको लो ही रखना है, लो फ्लेम में ही सारी टिक्की पकानी है। अब हमको पैन को कवर कर देना है, तो मैंने पैन में लिड लगा दी। 3 मिनट बाद अब हम चेक करेंगे, एक तरफ से गोल्डन हो गई है, देखिए मैं पलट रही हूँ। तो ये बस 2.5 से 3 मिनट ही एक तरफ पकने में लगते हैं।
5 से 6 मिनट में दोनों तरफ से टिक्की बहुत अच्छे से पक के रेडी हो जाती है। आप फ्लेम को लो टू मीडियम करते हुए पकाएं। सारी टिक्कियां हमने पलट दी है। अब हमको थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इसमें ग्रीस कर देना है, क्योंकि हमने इसमें पहले भी थोड़ा सा ही तेल का यूज किया था। तो अब हमने फिर से इसमें दो दो चार चार बूंद तेल डाल दिया है। फिर से हमको कर देना है कवर और अच्छे से हमको उलट पलट कर गोल्डन कलर होने तक टिक्की को पका लेना है। ये हमारी एक तरफ तो टिक्कियां पकी रही है, दूसरी तरफ हम बर्गर की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने ये ले लिया है, बर्गर बन ले लिए हैं। ये तो रेडीमेड है। अगर आपको इसकी होममेड रेसिपी देखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको घर में बनाना बता दूंगी। तो चलिए अब हमको थोड़ा सा बटर या ऑयल से इनको हल्का हल्का सा ग्रीस कर लेना है। अब हमने ले लिया है मेयोनीज और ये पिज्जा पास्ता सॉस है। और पिज्जा पास्ता सॉस और मेयोनीज की भी रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये मैंने मार्केट से लिया है तो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप इस तरह मार्केट से भी इजीली खरीद सकते हैं। अब हमको लेना है बन और एक साइड लगा देना है मेयोनीज और दूसरी तरफ हमको लगा देना है सॉस। और हाँ फ्रेंड, अगर आपको मेरी कोई भी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल के निशान में अगर आप क्लिक करते हैं तो सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो आप मेरी रेसिपी देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट करके आप जरूर मुझे बता दिया करें। तो चलिए हमने ये सारी चीजों में मेयोनीज और सॉस तो लगा लिया, अब हमको पिज्जा सीजनिंग ऐड करना है। इसको भी आप मार्केट से इजीली ले सकते हैं। अगर आपको होममेड पिज्जा सीजनिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके साथ इसका भी वीडियो शेयर करूंगी। तो चलिए हमारी दूसरी तरफ टिक्की भी पक के रेडी हो गई है। तो अब हम टिक्की को एक दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि हम 2-in-1 रेसिपी बना रहे हैं, तो एक तो यही रेसिपी है जो हमने आलू पिज्जा टिक्की बना के रेडी करी है। आप इसको सॉस के साथ, मेयोनीज के साथ कैसे भी आप इसको खा सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे ही इंजॉय करें। बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है। ये देखिए, हमने एक तरफ तो टिक्की बना के रखी है, अब हम उसी टिक्की से दूसरी रेसिपी तैयार करेंगे। तो हमने ये बन तो पहले ही बर्गर के लिए तैयार करके रखे थे, अब हमको इसी में एक ये टिक्की ऐड कर देनी है। उसी के साथ हमको डालना है मोजरीला चीज। आप इसमें चीज क्यूब्स या चीज स्लाइस का भी यूज कर सकते हैं। और हमने थोड़ा सा डाल दिया पिज्जा सीजनिंग, अब हमको डाल देना है थोड़ी सी वेजिटेबल। तो मैंने ले लिए टमाटर, प्याज, और इसी के साथ हम डाल देंगे थोड़ा सा खीरा। आप अपने मन मुताबिक कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ वापिस हमने बन से कवर कर लिया। अब हमको थोड़ा सा पिज्जा सॉस ऐड कर देना है ऊपर। अब हमको थोड़ी सी इसमें चीज ऐड करनी है, क्योंकि चीजी चीजी जब बनेगा तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इसी के साथ हमने ले लिया है होममेड चिली फ्लेक्स, इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब हमको बर्गर को एक फ्राई पैन में रख देना है। आज मैं माइक्रोवेव में नहीं बताऊंगी, आज मैं फ्राई पैन में ही बनाना बताऊंगी, जिससे कि आप सभी लोग इसको बना के रेडी कर सकते हैं। अब हमको पैन में 1-2 चम्मच पानी डाल देना है, जिससे कि भाप बनेगी, चीज जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। जब भी आप बर्गर बनाएं तो जब आप ढकें, बर्तन थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। ये बर्गर दूसरे बर्तन से टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो चीज दूसरे बर्तन में लग जाएगी, फिर खाने में उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि चीज नहीं रहेगी तो फिर बर्गर किस काम का। तो देखिए, मैंने एक ऊंचे बर्तन से ढक दिया है। पहले तो मैंने एक बर्गर बनाया था, अब मैंने 2 बर्गर बना के तैयार किए हैं। तो बस प्रोसेस सेम है, आप थोड़ा सा फ्लेम का ध्यान रखें, फ्लेम लो ही रखना है। और आप जिस भी बर्तन से ढकें तो बर्तन थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। तो देखिए, 4 से 5 मिनट में ही बर्गर अच्छे से पक के रेडी हो गए हैं, सारी चीज मेल्ट हो गई है। तो अब हम सर्व कर लेते हैं। आप एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। और आलू पिज्जा टिक्की तो आप अपने बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी उनको। और ये देखिए, आप लुक इनका बिल्कुल लग रहा है ना कि डोमिनोज से ही अभी अभी डिलीवर हुए हैं। तो बस फिर आपको बाहर नहीं जाना, घर में ही बर्गर बना के तैयार करें। बहुत इजी रेसिपी है और आप इनको बहुत ही जल्दी बना के रेडी कर सकते हैं। साथ आलू पिज्जा टिक्की भी साइड में सर्व कर ली है। आप ये दोनों चीजें खाइए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। तो आप एक बार तो ट्राई कर ही सकते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको और आपके बच्चों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो बिल्कुल देख के मुंह में पानी ही आ रहा है, और मुझे पता है आप लोग जरूर ट्राई करेंगे। आप मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये कैसी लगी, आपके बच्चों को कैसी लगी। आप उनको टिफिन में, ब्रेकफास्ट में, लंच, डिनर कभी भी, या फिर घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो ये चीज
चीजें बना के सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।